आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर राज्य विकास केंद्र के कार्यकर्ताओं ने लोकसभा स्पीकर और इंदौर सांसद सुमित्रा महाजन को निष्क्रिय बताते हुए जमकर नारेबाजी की। वहीं कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्रदेश कांग्रेस सरकार की जमकर तारीफ की। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में पिछले 8 लोकसभा चुनाव में जीत का डंका बचा चुकी सुमित्रा महाजन पर भाजपा के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण सत्तन ने निष्क्रियता का आरोप लगाया था। उसके बाद राज्य विकास केंद्र के कार्यकर्ताओं ने लोकसभा स्पीकर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कार्यकर्ताओं ने सुमित्रा महाजन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए घर घर जनसंपर्क शुरू कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार सिर्फ जुमलेबाजी करती है, लेकिन पिछले करीब 5 सालों में ऐसा कोई काम नहीं किया जिसे याद किया जाए। वहीं प्रदेश की कमलनाथ सरकार 75 दिनों में वो काम कर दिखाए जो पूर्व की भाजपा सरकार 15 सालों में भी नहीं कर पाई। के तहत जन जागरण अभियान, जनसंपर्क अभियान, मध्य प्रदेश राज्य विकास केंद्र द्वारा छोटी ग्वालटोली, सरवटे बस स्टैंड, पान की दुकान, चाय की दुकान, पोहे की दुकान, भोजनालय, घर घर जाकर और यात्रियों से जनसंपर्क किया और उन्हें ये बताया कि इंदौर की भाजपा सांसद सुमित्रा महाजन निष्क्रिय है। यह बात उनके ही दिग्गज नेता श्री सत्यनारायण सत्तन ने कही। वहीं केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार जुमलेबाजी की सरकार है, झूठी सरकार है। पिछले पांच सालों में केंद्र की सरकार ने बेरोजगारी, अशिक्षा, स्वास्थ्य, भुखमरी पर कोई ध्यान नहीं दिया और चौकीदार चोर है रफेल जैसे मामले में घोटाला किया। गौरतलब है कि राज्य विकास केंद्र द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर घर घर जनसंपर्क कर सांसद सुमित्रा महाजन के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। वहीं प्रदेश कांग्रेस सरकार की योजनाओं का बखान कर मतदाताओं को साधने में जुट गई है। NC24 न्यूज के लिए इंदौर से अयाज अली की रिपोर्ट।